हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल रोहतक में परिवर्तन रैली करने जा रहे हैं, जहां वह पार्टी हाईकमान को अपनी ताकत दिखाएंगे। वहीं यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हुड्डा कल अपनी पार्टी की घोषणा भी कर सकते हैं। हुड्डा की इस रैली को लेकर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर हुड्डा पर चुटकी ली है। विज ने कहा कि हुड्डा का यह हाल है कि सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए, क्योंकि हुड्डा ना पार्टी छोड़ सकते हैं और ना ही रह सकते हैं। विज ने हुड्डा की कल होने वाली रैली को तमाशा करार देते हुए कहा कि हुड्डा बीते 5 साल में कई बार ऐसे तमाशे कर चुके हैं, लेकिन पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विज से जब हुड्डा द्वारा अपनी पार्टी बनाने पर सवाल किया गया तो विज ने हुड्डा पर और तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पार्टी बनाने से आदमी नहीं बदल सकता, इस पर भ्रष्टाचार के केस दर्ज है, पार्टी बदलने से उसकी इमेज या किरदार नहीं बदलेगा, ये वही हुड्डा रहेंगे जिसने जेल जाना है। हुड्डे का वो हाल है कि कुछ सहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। ये तो हुड्डे की जान फंसी हुई है, ना ये छोड़ सकता है ना ये रह सकता है। और पिछले 5 साल में जैसा तमाशा ये कल करने जा रहा है, कई तमाशे कर चुका, लेकिन कांग्रेस की हाई कमांड ने इसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया, और ये भी एक तमाशा ही है कल। अगर अलग पार्टी में जाते हैं तो देखिए, आदमी तो वही है, चाहे वो किसी पार्टी में है और चाहे आजाद पार्टी बनाकर कोई लड़ता है, व्यक्ति तो वही है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के अनेकों केस दर्ज हैं। पार्टी बदल लेने से केस तो नहीं बदले जाएंगे, पार्टी बदल लेने से उसका इमेज तो नहीं बदल जाएगा, पार्टी बदल लेने से उसका किरदार तो नहीं बदल जाएगा, रहेगा तो वही हुड्डा जिसने जेल में जाना है। विज ने बीते रोज ट्वीट करके विपक्षी नेताओं को हिंदुस्तान से माफी मांगने को कहा था। विज से जब उस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के बालाकोट में हुए हमले पर सवाल खड़े करने वाले विपक्षी नेताओं को अब हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान के बालाकोट पर जबरदस्त हमला हुआ था। हिंदुस्तान ने पुलवामा हमले के बाद जब बालाकोट पर हमला किया था तो हिंदुस्तान के कई विपक्षी नेता उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे और उसके सबूत मांग रहे थे। अब इमरान खान ने खुद मान लिया कि भारत ने जबरदस्त बालाकोट पर हमला किया था, तो अब ऐसे सब नेताओं को हिंदुस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए।